Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about factors affecting flowability. ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपकी फ्लोएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से. अगर आप लार्ज पार्टिकल्स में क्या करोगे, स्मॉल पार्टिकल्स की एडिशन कर दोगे विच फाइल द वॉइड स्पेसेस, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आपकी इंटर पार्टिकल कोहेसिव फोर्सेस को और रिड्यूस करेगा सरफेस रिग्यूसिटी को और ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करेगा. और अगर आप पार्टिकल साइज अगर आपका 10 माइक्रोन से बिल्कुल कम है, स्मॉल है, 10 माइक्रोन से भी स्मॉल है आपके पार्टिकल्स का साइज, तो वो आपके टैबलेट में स्टिकिंग प्रॉब्लम देगा या स्टिकीनेस प्रॉब्लम आ सकती है आपके मटेरियल में. अगर हम बात करें पार्टिकल शेप और सरफेस रफनेस की, तो पार्टिकल शेप और सरफेस जो रफनेस होती है उसमें मेन होता है कि आपको जो स्फेरिकल शेप का आपका पार्टिकल रहना चाहिए. स्फेरिकल शेप इज द बेस्ट शेप विच गिव्स द मैक्सिमम फ्लो रेट. अगर आपका स्फेरिकल शेप का पार्टिकल साइज रहेगा तो आपका जो फ्लो होगा वो फ्लो रेट मैक्सिमम रहेगा. अगर आपका इरेगुलर शेप होगी पार्टिकल्स की तो वो हॉपर में ब्रिजिंग प्रॉब्लम कॉज करेगा. रफनेस ऑन द सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर रफनेस है तो वो क्या कॉज करेगी, वो मैकेनिकल हाइड्रेंस कॉज करेगी टू द फ्लो ऑफ द मटेरियल में. फॉर एग्जाम्पल आपका स्प्रे ड्राइड लैक्टोज हैज अ गुड फ्लोएबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस्ड नियर स्फेरिकल शेप. अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ डेंसिटी और पोरोसिटी की, तो अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो आपकी पोरोसिटी कम रहेगी, जिसकी वजह से जो फ्लो रेट है वो बहुत बेटर फ्लो देगा. और हाइग्रोस्कोपिसिटी की बात करूँ तो अगर आपका फ्लो रेट अगर कम होगा, बिकॉज क्यों, ये रिड्यूस करेगा फ्लो रेट को. जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है वो फ्लो रेट को रिड्यूस करती है, क्योंकि अडहेसिवनेस जो अडेशन और जो कोहेसन फोर्सेस होती हैं, अडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होंगी बिटवीन आपके पार्टिकल्स में, वो इंक्रीज हो जाएंगी. दैट्स वाई फ्लो रेट रिड्यूस हो जाएगा. अगर उसके बाद मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंक्रीज होगा, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सो रिड्यूस फ्लोएबिलिटी, तो आपकी जो फ्लोएबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे मेथड्स, ऐसे कौन से मेथड है जो आपकी फ्लोएबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.